हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू चैनल, माय नेम इज घनश्याम वर्कर। आज हम लोग जाने वाले एक लॉन्ग ड्राइव पे, आज हम लोग जाने वाले हैं महाशिवरात्रि यात्रा पे। तो गाइस यहाँ पे हम लोग टोटल 11 लोग हैं। हमारे पास दो गाड़ियाँ, एक ओमनी जो हम मेरे पीछे में देख सकते हैं, और दूसरी ये हमारी जेन। तो गाइस ये जो जेन है ये 24 ईयर्स ओल्ड कार है, और ये जो अपनी ओमनी ये है एटलीस्ट 18 साल पुरानी कार है अपनी, और इसको टोटली हमने अच्छे से बना लिया है। गाड़ी बिल्कुल भी ओके है, पेट्रोल वगैरह भर चुके हैं, अभी यहाँ से निकलने वाले आगे के रास्ते में। तो है गाइस अभी पूजा वगैरह सब कुछ हो चुकी है, और हम लोग अभी जस्ट गाड़ी में बैठ के निकलने वाले हैं। गाड़ी से हम लोग अभी गैरेज पे आ गए हमारे श्री बालाजी मोटर्स पे, तो यहाँ से तुरंत अभी निकलने वाले हैं 5 मिनट के अंदर में। अभी थोड़ा सा पानी का ही मैटर हो गया, पानी की कैन हमें नहीं मिल पाई है, तो अभी हम लोग महेश भाव और यश को तेलंगखेड़ी से उठाने वाले, तो वो लोग वहाँ से पानी की कैन अरेंज कर लेंगे। और वहाँ से भी अगर नहीं हो पाई तो हमारे पास और एक जुगाड़ है, हम लोग पाटन सॉन्ग जाएंगे, वहाँ पर मेरे भाई का दुकान है, तो वहाँ से हम लोग पानी उठा लेंगे। तो क्योंकि कैसा रहता है गाइस, अगर आप लोग लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो और 11 लोग हैं साथ में, तो पानी पे बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है, तो वो खर्चा भी बचाना है, तो पानी का कैन यूज़ करना बेटर है। hey गाइस अभी हम लोग बैठ चुके हैं ओमनी के अंडर में, और आप देख सकते हैं यहाँ पे अरेंजमेंट इस तरह से है कि हमने पीछे वाली जो भी सीट है वो हमने निकाल लिया है, नीचे में गद्दे डाल लिया है, आप देख सकते हैं। और छोटू भाव अभी गाड़ी चला रहे हैं, अमोल आगे में बैठा है, निशांत पीछे में बैठा है, मेरे साथ में है प्रहलाद। hey गाइस अभी हम लोग पहुंचे हैं तेलंगखेड़ी के हनुमान मंदिर में, तो यहाँ पे ये हमारा बहुत ही प्राचीन हनुमान मंदिर है, यहाँ पे हम लोग पहले रहते थे, तो यहाँ से महेश भाऊ और यश साथ में आ रहा है, तो अभी वो लोग भी आ गए है। ये देखिए यश है और पीछे में महेश भाऊ। hey गाइस अभी हम लोग रुके हैं महेश भाऊ के घर में, और थोड़ा वहां से कुछ चीजें ले रहे हैं, क्योंकि रात में हम लोग वहाँ पे रुकने वाले, ठंड बहुत ज्यादा होने वाली है, तो कुछ जर्किंग वगैरह वहाँ से ले रहे हैं। भाव ने लिया नहीं था, अरेंजमेंट किया नहीं था प्रॉपरली, तो अभी हम लोग टोटल निकलने वाले हैं सावनेर रोड के थ्रू। हम लोग छिंदवाड़ा जाएंगे, छिंदवाड़ा से होते हुए भाऊ अपन कहाँ पे रुकने वाले हैं? मटकुली में। ओके, तो मटकुली हम लोग रुकने वाले, और उसके आगे में भाऊ छोटे भाऊ विवेक भाऊ। सो गाइस मटकुली के आगे जुन्नारदेव में रुकने वाले, उसके आगे में फिर नंदीग्राम होते हुए वहां से हमारी चौरागढ़ की यात्रा चालू हो जाएगी, क्योंकि वहां से टोटली पैदल का रास्ता है, और चौरागढ़ की हाइट गाइस बहुत ज्यादा है, तो वहां पे जाके बहुत मजा आने वाला है। पिछले साल भी हम लोग गए थे, इसी गाड़ी में गए थे, लेकिन उस समय मामा वगैरह भी थे हमारे साथ में, और उस समय भी हमने बहुत एंजॉय किया था। उस समय 2 रात का ट्रिप था, और इस समय का जो ट्रिप है वो सिंगल नाइट का ट्रिप है, और बहुत मजा आने वाला है। और भाई कैसे यार तुम वीडियो में आ रहे हो आजू बाजू वाले, ये निशांत यार मोबाइल की तरफ तो ध्यान दो यार, तो भी मजा आएगा वीडियो आगे वालों को देखने में मजा आएगा। तो गाइस निकलते हैं आगे के रास्ते में। पंचमुखी गिरजा पार्वती और निशान क्या बोलते हैं भाई, तुम सुना आप लोगों को बहुत मिस करूंगा यार, चालू तो होने दे, मिस कब करेगा, अभी तो बहुत मजा आने वाला है भाई, बहुत मजा आने वाला है, और आगे जाके तो मुझे वाइट भी लगने वाले, क्योंकि हम लोग पक्का रात चलने वाले हैं, मजा भी बहुत आएगा वहाँ पे। और यश का अपने साथ पहला टूर है ये वाला, पिछले बार भाऊ आए थे, हम लोग बाइक से गए थे नागौर में, और इस बार हम लोग जा रहे हैं चौरागढ़। अमोल क्या बोलते हैं, तेरा भी पहला टूर है अपने साथ? सब बढ़िया, एक नंबर, फुल एंजॉय। और आज का दिन तो पूरा अंगार होने वाला है भाई, और विवेक भाव चला रहे गाड़ी, और पूरा फुल एंजॉयमेंट के साथ सीट बेल्ट लगाते हुए। और गाइस जब भी लॉन्ग टूर पे जाते हैं तो पानी का खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उसका भी जुगाड़ है अपने पास, 20 लीटर की पानी के कैन भी हम लोगों ने ले ली है, उसमें भरा है नल का पानी, जो कि ठंडा नहीं है, लेकिन हमारा कान तो चल जाएगा। और अभी है हम लोग मदुरई क्षेत्र में, और गाइस आगे में आप देख सकते हैं 24 ईयर ओल्ड विंटेज ट्रेन, जिसमें हमने की थी कुंभ मेला की प्रयागराज की यात्रा, और गाइस वो रिकॉर्ड टाइम में हमने कंप्लीट किया था, 40 ओवर्स में हमने 1300 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया था। और उसका वीडियो आपने अगर देखा नहीं होगा तो प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा वो वीडियो एक बार देखो, क्योंकि वो वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत हमने खर्चा की थी, और बहुत वाट लगी थी हमारी वो उस यात्रा में, लेकिन एंजॉयमेंट बहुत, कितना एंजॉय किया था हमें ही पता है, जो हम लोग 3 लोग थे, विशाल भाऊ, मैं और संदेश, बहुत मजा आई थी। कहाँ बैठते घरे रुकेंगे। हो गए, जब
घर से हम लोग निकल रहे थे तो हमारे डेक के साथ पंगा हो गया, डेक बज नहीं रहा था, तो उसके जगह पे हम लोगों ने जुगाड़ किया। हमारे पास कैसे ना, मेरे घर पे कंप्यूटर के क्रिएटिव के स्पीकर है, तो हम लोगों ने क्या किया, उसका जो ऊपर है ऊपर निकाल डाला, और ऊपर में जो सप्लाई चाहिए रहता है एक्चुअल में वो रहता है 12 वोल्ट, जो कि अडाप्टर के थ्रू आता है डीसी करंट। तो हमने क्या किया, जो डेक पे जो इनपुट सप्लाई देते हैं तो वाला सप्लाई हमने वहाँ पे दे दिया इनपुट डिस्क में, तो उसका वीडियो मैं एक साथ में इसके बाद में दे दूंगा लिंक में। तो गाइस वहाँ से हम लोग करंट ले रहे हैं और यहाँ पे अभी कोई भी डेक नहीं बज रहा है, डायरेक्टली बैटरी से हम लोग सप्लाई ले रहे हैं ऊपर में, और वहाँ पे मोबाइल लगा के हम लोग गाने बजा रहे हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त जुगाड़ है। तो गाइस अगर आप चाहते हो इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँ तो उसका कमेंट सेक्शन में लिंक देना, मुझे उसका आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगा। और यश जुगाड़ कैसे लगा तेरे को बता? गाइस अभी थोड़ा इमरजेंसी के लिए रुके थे और अभी आगे के रास्ते में निकलते हैं। अभी तक का रास्ता बहुत ही अच्छा था, बहुत ही स्मूथ था और बहुत मजा आ रहा है ये वाले रास्ते में, और आगे का भी रास्ता बहुत स्मूथ होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। चलिए अभी हम लोग मुल्तानी में रुके और यहाँ पे थोड़ा नाश्ता वाश्ता मारने वाले, बहुत चाय वाय और पानी वगैरह पी लेंगे, क्योंकि अभी तक किसी ने भी पानी पिया नहीं है। मेरे पास सिर्फ एक पानी की बोतल थी और बाकी के कैन में फिनिश हो गई है, ऑलमोस्ट फिनिश हो गई है। और पानी की जो कैन है उससे हम लोग पानी निकाल नहीं पा रहे, क्योंकि नल वाला नहीं है अपने पास, वो जो अलग वाला कैन आता है जिसमें ऊपर में ढक्कन लगा होता है वो वाला ही है। अभी जस्ट हम लोग धनगौरी पहुंचे, धनगौरी बाबा का मंदिर है यहाँ पे पीछे में, मेरे पीछे में आप देख सकते हैं, बहुत ही प्राचीन मंदिर है और यहाँ पे हमने अभी दर्शन वगैरह ले लिए हैं। और यहाँ से भी आगे का रास्ता में हम लोग भूरिया भगत जाएंगे, जो कि एक अच्छा खासा मंदिर है, वहाँ पे भी दर्शन होगा, और उसके आगे में फिर चौरागढ़ के रास्ते के लिए हम लोग आगे में प्रस्थान करेंगे। और कैसा होता है, अभी पीछे में एक जगह पे हम लोग रुके थे, वहाँ पे हमने पकौड़े खाए, मूंग दाल के पकौड़े, और इतना ज़बरदस्त पकौड़े वहाँ पे मिले, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आ गया। साथ ही साथ में वहाँ पे एक चाय भी लिया हम लोगों ने, सभी ने चाय लिया, और चाय भी बहुत अच्छा था वहाँ पे। वहाँ पे मैंने शूट नहीं किया, थोड़ा सा भूल गया, उसके लिए सॉरी। यहाँ से आगे 10 किलोमीटर जुन्नार देव है, वहाँ पे हम लोग जाके दर्शन करेंगे, और उसके आगे में फिर नांदीखेड़ा में रुकने गए, तो नांदीखेड़ा में जाके वहाँ पे एक स्टॉप होगा, थोड़ा देर रेस्ट करेंगे वहाँ पे 2-4 घंटे, और उसके बाद में फिर रात को 12 बजे नहा के वहाँ से हम लोग चौरागढ़ की यात्रा चालू कर देंगे। आगे का प्लानिंग फिर बाद में हम लोग करने वाले हैं। और अभी महेश भाव वगैरह सभी पीछे में बैठे हैं। महेश भाव क्या बोलते हैं? बढ़िया है, बढ़िया है। क्या बोलते हैं महेश भाव? बढ़िया है। और सभी लोग पीछे बैठे हैं। जुन्नार देव तक का रोड उतना अच्छा नहीं था, टोटली सिंगल लेन रोड था, और आपको मैं लिटरली बताता हूँ, वहाँ से एक ही गाड़ी एट अ टाइम हम लोग क्रॉस कर सकते थे, और हमें बार बार रास्ते से गाड़ी नीचे में उतारना पड़ रहा था, तो उसके कारण हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत गई। आगे का रास्ता भी टोटली घाट सेक्शन है, तो आधे घंटे अभी 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और वो कितना समय लगने वाला है हम लोग गेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि घाट सेक्शन है, फिर भी होप करते हैं 1 घंटे के अंदर में हम लोग वहां पे पहुंच जाए। रोड
चलाने में मजा आ रही है। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सत घगरिया में। यहाँ पे एक अच्छा ये स्पॉट है, बहुत ही ब्यूटीफुल स्पॉट है जिसका व्यू आपको आगे के फ्रेम में मिलेगा। भाई लोग अभी देख लो, तो वो बहुत अच्छा है लेकिन पूरा घाटी वाला सेक्शन है और ऐसे कंडीशन में कार चलाना या फिर बाइक चलाना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। और ये डिफिकल्ट टास्क अभी परफॉर्म कर रहे विवेक भाव और विशाल भाव और हम सभी को लेके चल रहे हैं अभी बुढ़िया भगत। हमने साथ घाघरी देख लिया है और उसके आगे में मच्छिंद्रनाथ भी देख लिया है और यहाँ से अभी रुकेंगे हम लोग बुढ़िया भगत, वहाँ पे दर्शन होगा और वहाँ से फिर और उसके आगे फिर नांदीखेड़ा में रुकेंगे और वहाँ पे हम लोग पकाएंगे खाना और वहाँ पे खाना वगैरह खाने के बाद थोड़ा सा आराम करेंगे रात को 12 बजे तक। उसके बाद में उसके आगे फिर रात को 12 बजे नहा के हम लोग जाने वाले हैं चौरागढ़। फ्रेंड्स मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आप वेल ट्रेन ड्राइवर है या फिर वेल ट्रेन राइडर है तभी यहाँ से खुद के कार या फिर बाइक चलाए, अगर नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि किसी ड्राइवर को आप अपने साथ में ले लो, क्योंकि ऐसे कंडीशन में अगर आपको कार ड्राइव करना है या फिर बाइक राइड करना है तो एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और कैसा है ना कि यहाँ पे बहुत से बार ऐसा होता है कि आगे वाला ड्राइवर ज़्यादा स्पीड में होता है तो वो आपको साइड भी नहीं देगा तो वहाँ से आपकी डिफिकल्टी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी जस्ट हम लोग पहुंचे भूरिया भगत में और यहाँ पे हम लोग भूरिया भगत का दर्शन लगे और संदेश भाव पीछे में है, उसके आगे में फिर यहाँ से और 5 किलोमीटर आसपास डिस्टेंस अपना नांदीखेड़े का होने वाला है और फिर नांदीखेड़े में जाके वहाँ पे खाना वाना करेंगे, खाना वाना पकाएंगे, उसके बाद में खाना करेंगे। लेकिन उसके पहले दर्शन होने के बाद में फिर हम लोग यहाँ से कुछ राशन वगैरह खरीद लेंगे, चावल एंड लोकल मार्केट अवेलेबल है। हाँ तो लोकल मार्केट है तो यहाँ से जो भी खाने पीने की चीज़ें वो लोग वो सब चीज़ें हम लोग यहाँ से ले लेंगे, वहाँ पे जाके पकाएंगे तो वो जो एक मज़ा होने वाला है वो अलग ही होने वाला है, नेक्स्ट लेवल फन होने वाला है। हे गाइस पीछे में आप मेरे पीछे में देख सकते हैं यहाँ पे ये है भूरिया भगत मंदिर, यहाँ पे हम लोगों ने अभी दर्शन कर लिया है और बहुत मज़ा आ गया अंदर में दर्शन करके, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, एकदम रिलैक्स फील कर रहे हैं अभी। और यहाँ से भी थोड़ी ही देर में हम लोग शॉपिंग वगैरह कंप्लीट कर लेंगे, यहाँ पे जो भी खाने पीने की चीज़ें वो खरीद लेंगे और मिलते फिर नांदीखेड़ा में। तो गाइज अभी आधी शॉपिंग हो गई है ये देखो, और यश के पास भी यश और सब्जी का सिर्फ अभी लेना बाकी है, सब्जी का लेंगे और उसके बाद में आगे निकलेंगे। भूरिया भगत का दर्शन हो चुका है और यहाँ से भी सिर्फ 5 किलोमीटर का रास्ता बाकी है, हमने पूरा शॉपिंग वगैरह भी कम्प्लीट कर ली है और यहाँ से पहुंचेंगे फिर जब नंदीखेड़ा तो वहाँ पे एक झोपड़ी वगैरह देखेंगे, वहाँ पे रुक के हम लोग अभी खाना वाना पकाएंगे वहाँ पे और वहाँ से फिर आगे का पैदल का रास्ता हमारे चालू होगा क्योंकि कार का जो रोड है वो वहाँ तक ही जाता है और उसके आगे में कम्प्लीट पैदल जाना होता है तो वहाँ उसके आगे में जो वीडियो है वो सेकंड पार्ट में बनेगा। तो गाइस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन हिट करना ना भूले, साथ ही साथ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट पार्ट देखना ना भूले जो कि 1 या 2 दिन में मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और गाइस इधर एक छोटा सा कांड हो गया, उधर में हमने वीडियो बंद किया और इधर में एक छोटी सी पहाड़ी लगी थी तो वहाँ पे हमारी एक ओमनी बन गिर गई और अच्छा हो गया कि हम लोग बहुत सारे लोग थे, साथ में टोटल 11 लोग थे, दोनों गाड़ियों मिलके तो सभी ने धक्का मारा तब जाके हमने वो चढ़ा और गाड़ी भी आधी चली चल रही थी क्योंकि बार बार बंद हो रही थी, पेट्रोल की कमी पाई गई है, गैस की कमी, गैस बहुत ज़्यादा है तो बहुत मज़ा आ गया और सब की
हालत थोड़ी थोड़ी टाइट हो गई। ये टूर में सबको मजा आ गया। तो फिर क्या बोलते हैं, हालत टाइट है? टाइट है, हालत क्या बोलते हैं, टाइट है या ओके चल जाएगा? हाउस द जोश हाय या फिर लो जोश कैसा है? तो गाइस यहाँ पे सबका जोश तो हाय है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल, वेलकम बैक टू पार्ट टू ऑफ हमारी महादेव जर्नी। तो गाइस अभी यहाँ पे हम लोग नांदीखेड़ा में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे खाना वाना पकाना चालू है।